गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू ऑल ऑफ यू दिस इज द कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड पार्ट. आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का सेकंड पार्ट. उसमें फर्स्ट में हमने पढ़ा था हाउ वी प्रिपेयर द कोवलेंट बॉन्ड. हम किसी भी एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बाय शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं. एंड साथ साथ हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड के बेसिस पर दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेसिस पर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं कितने टाइप के होते हैं. उन्होंने बताया था वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीन टाइप के होते हैं. एज वेल एज इससे प्रीवियस वीडियो में साथ साथ बता चुकी हूँ कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है. दैट मीन्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, पहले कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड. ओके नाउ टुडे आई एम स्टार्ट द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग. डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कोवलेंट बॉन्डिंग की. हमने ये तो देखा कि बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड, दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड. जब किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उस तरह के बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. बट जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर. डायरेक्शनल का मतलब डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे ऑर्बिटल्स पर. आपको पता है यू नो दैट ऑर्बिटल आर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल. वी नो दैट द ऑर्बिटल्स आर मेनली एस, पी, डी, एफ. ओके वेयर एस इज द नॉन डायरेक्शनल, एस डायरेक्शनल नहीं होता है क्योंकि वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल में कोई डायरेक्शन होने का सवाल नहीं होता. नाउ सेकंड इज द पी ऑर्बिटल, दिस इज डंबेल शेप. ये कौन सा शेप का होता है, डंबेल शेप, एंड अरेंज इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. किस में अरेंज होता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तीन एक्सिस होता है. दैट मीन्स इट इज ए डायरेक्शनल, इसमें डायरेक्शन होती है क्योंकि वो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में अरेंज होता है, तो दैट इज द डायरेक्शनल. नेक्स्ट थर्ड इज द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ऑल्सो डायरेक्शनल, दैट मीन्स इट शुड बी अरेंज इन डी एक्स वाई, yz, zx, dx square minus y square and dz square. Okay, so that means xy, yz, zx or dx square minus y square and dz square. ये भी डायरेक्शन में होता है, ठीक है. डायरेक्शनल का मतलब है, पहले आपको हेडिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि इनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. दैट मीन्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन इन द कोवलेंट बॉन्डिंग. ओके सो वी नो दैट द s ऑर्बिटल का तो डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि s ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल होता ही नहीं है. रिमेनिंग बच जाता है हमारे पास पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल. एफ ऑर्बिटल का शेप इज नॉट क्लियर बिकॉज इट इज अरेंज इन थ्री डी शेप. सो नाउ वी हैविंग ओनली टू ऑर्बिटल्स, डी एंड पी एंड डी ऑर्बिटल, दैट शुड बी प्रेजेंट इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ओके सो नाउ ऑन दिस बेसिस द कोवलेंट बॉन्डिंग इज द डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, और वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल पर, और ऑर्बिटल की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है. ओके so in this way, on this basis the orbitals are overlap and the covalent characters are originated. orbitals क्या करेंगे, overlap करेंगे, जिससे हमारे covalent character क्या होंगे, originate होंगे. जब covalent character originate होंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, जब वो directional characteristics का मतलब होगा direction में होंगे, साथ साथ जब वो direction में होंगे तो कौन से characteristics develop होंगे, covalent characteristics develop होंगे. जब कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डेवलप होंगे तो उस समय कोवलेंट बॉन्डिंग को हम मेनली ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, जब वो कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगी, सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट. मैं यहां टू पार्ट सेपरेटली लिख रही हूं, इट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग. जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बाद जो कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, on the basis of orbital की sharing, it should be divided into two parts, that is the sigma bond and pi bond. ठीक है, तो directional characteristics क्या होते हैं पहले हमें ये समझना जरूरी है. तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमारे पास orbital, हमने बोला s orbital, p orbital, we have s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, हमारे पास चार orbital है. तो अगर suppose हम एक s orbital और दूसरा s orbital की sharing करते हैं, मैंने क्या कहा, directional characteristics के बाद covalent characteristics, कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, और जब कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा तो हमारे पास जो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड. बट क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड, तो हम यहीं पर ये डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है और उनका डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है किस पर, कोवलेंट बॉन्ड पर. सो नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक दैट इज एस एस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. कौन सी टाइप की, एस एस टाइप. एस एस टाइप की क्या होता है, व्हेन वन एस ऑर्बिटल जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल. सेकेंड इज द एस ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो नॉन डायरेक्शनल, कोई भी, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप होता है इसलिए किसी भी एक्सेस में अरेंज नहीं होता, दैट मीन्स ये अरेंज नहीं होता एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, किसी भी एक्सेस में अरेंज नहीं होता.
सो ये हो गया एस ऑर्बिटल, ये हो गया सेकंड एस ऑर्बिटल, बोथ आर ओवरलैप टू ईच अदर, दोनों ओवरलैप करेंगे. और आपको मैं बता चुकी बोथ आर ओवरलैप दैट म्यूचुअल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शेडेड पोर्शन इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्डिंग. ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग हो गई आपकी, कोवलेंट बॉन्डिंग. अब यहां पर क्योंकि दोनों बोथ आर नॉन डायरेक्शनल है, एस ऑर्बिटल भी नॉन डायरेक्शनल और दूसरा एस ऑर्बिटल भी नॉन डायरेक्शनल है, सो दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज नोन एज द सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग. इस कोवलेंट बॉन्डिंग को हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग. सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग क्या हुआ फिर, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या हुई, ऑन द बेसिस ऑफ कोवलेंट व्हेन टू ऑर्बिटल आर एंड टू एंड ओवरलैप ईच अदर. इनमें क्या हो रही है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर एंड टू एंड एंड टू एंड ओवरलैप ईच अदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल में एंड टू एंड ओवरलैप हो रही है, एंड टू एंड इसका एंड, इसका तो कोई एंड होता ही नहीं, आपने ऐसे स्पेयर को अरेंज कराया, अगर आप ऐसे भी ओवरलैप करेंगे सो दैट इज ऑल्सो कोवलेंट बॉन्डिंग, अगर आप इसको ऐसे भी अरेंज करेंगे दैट इज ऑल्सो कोवलेंट बॉन्डिंग. तो दैट मीन्स एंड टू एंड किसी का एक ऑर्बिटल का एंड और दूसरे ऑर्बिटल का एंड बोथ आर ओवरलैप ईच अदर एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्डिंग. बट दिस इज नोन एज द सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज दैट दे आर ओवरलैप एंड टू एंड ओवरलैप. ये क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग तो है ही, कोवलेंट बॉन्डिंग तो आप प्रीवियस वीडियो में ऑब्जर्व कर चुके हैं मैंने कैसे सिखाई थी आपको, बट इनमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है कौन सी हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैप. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट नॉन डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्डिंग. ओके, नाउ सेकेंड सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कौन सा होता है देखिए, तो मैंने आपको बताया नॉन डायरेक्शनल जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करता है तो उनमें जो बॉन्डिंग हो रही है कोवलेंट बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन इस बॉन्डिंग को हम कौन सी बॉन्डिंग कह रहे हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग के नाम से नॉमिनेट करते हैं. नाउ वी टेक द सेकंड एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग दैट इज आपका एस एंड पी. किसकी, एस पी कोवलेंट बॉन्डिंग, कौन सी टाइप की, एस पी कोवलेंट बॉन्डिंग. एस पी से क्लियर हो रहा है एस इज द स्फेरिकल, एस आपका स्फेरिकल होता है. नाउ सो दिस इज द एस ऑर्बिटल, ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल. बट यू नो दैट पी ऑर्बिटल जो होता है, P ऑर्बिटल जो होता है वो होता है आपका डायरेक्शनल. डायरेक्शनल मतलब x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में, कितनी एक्सिस में अरेंज होता है. P ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास तीन एक्सिस में अरेंज होता है. आप कोई भी एक्सिस ले लीजिए, आपको अगर रिमाइंडर नहीं है तो आपको बता दूं दिस इज द x एक्सिस, हमने ये x मानी है, इसको हमने y मानी है, इसको हमने क्या माना है, z माना है. अगर P ऑर्बिटल की बात करेंगे तो P ऑर्बिटल अगर x एक्सिस में अरेंज है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज द px. ओके, सपोज ये y एक्सिस में अरेंज है सो दिस इज द py. Okay, now if it is arranged in the z-axis, so that should be, ये हो गया आपका pz. तो आपको हम कह रहे हैं ये अरेंज होता है x-axis में, y-axis में, z-axis में, that means directional हो गया. तो आप कोई भी लीजिए, sp overlapping है, एक s हो गया, और दूसरा हम ले रहे हैं आपका p orbital, वो जो हमारा x-axis में अरेंज है. Okay, now we take the x orbitals. This is px लिख दे रही हूँ, इसलिए साथ साथ लिख दे रही हूँ px. और ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है आपको बता रहा है, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. बट इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग तो हुई है, कोवलेंट बॉन्डिंग की तो बात ठीक हो गई, बट कोवलेंट बॉन्डिंग एंड टू एंड, इसका भी एंड और इसका भी एंड, बोथ आर एंड टू एंड ओवरलैप ईच अदर, सो दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑल्सो नोन एज द सिग्मा टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. इस टाइप की भी कोवलेंट बॉन्डिंग को हम कौन सी कहते हैं, सिग्मा टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द, दो क्लियर हो गए आपको, दो एग्जाम्पल क्लियर कर दिए मैंने. नाउ वी टेक थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ हम आपको सिग्मा बॉन्ड भी क्लियर कर रहे हैं साथ साथ. नाउ थर्ड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी आपकी जो हो रही है पीपी टाइप. पीपी टाइप, पीपी का मतलब हो गया एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है. बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी आपको कुछ एग्जाम्पल सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे. थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यू नो दैट पी ऑर्बिटल इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है, जब मैंने एक्स एक्सिस की बात करी आपने एक्स एक्सिस में एसपी का बना दिया था. ओके, जब हम इसी को एक बार दोबारा, अगर हम सेकंड पॉइंट दोबारा, तो अगर हम एसपी एक्स लिया था हमने, हम एस ऑर्बिटल के साथ
पी, हमने पी एक्स लिया था, पी वाई लेना चाहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगर पी वाई लेना चाहे हम पी वाई भी ले सकते हैं, वहां पर मैंने छोड़ दिया था तो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पी वाई लिया तो पी वाई लेंगे तो क्या ऐसा नहीं है कि इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें भी बॉन्डिंग होगी और कौन सी, हमें सिर्फ एंड टू एंड ओवरलैप दिखाना है, ऐसा नहीं है कि उसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं होगी, उसमें ओवरलैपिंग होगी बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आप किस तरह से अरेंज करते हैं। अब इसका एंड टू एंड, इसका तो एंड नहीं होता, एंडलेस होता है, इसका तो एंड है ना, तो आप इसको इस तरह से अरेंज करिए कि इसमें कौन से बॉन्डिंग जाए, सिग्मा बॉन्ड हो जाए, तो आप कैसे शो कर सकते हैं इसको सिग्मा बॉन्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ये पी ऑर्बिटल को तो ऐसे ही लिखा एज इट इज दिखा देते हैं, ये पी वाई एक्सिस है बट एस ऑर्बिटल को इसके सामने ला सकते हैं, एस ऑर्बिटल को इसके सामने ले आते हैं और हमारा ये पोर्शन क्या होगा, ओवरलैप होगा, ये बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा नहीं है कि हमारा पी ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा था, वो पी वाई में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, पी वाई में ही बनेगा। अगर इसका सेकंड वाले का हम पी जेड लेना चाहें तो हम जेड भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड इसलिए क्यों, आप उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लिए, आपने जेड एक्सिस को ये माना है ठीक हो गया, ये जेड एक्सिस सपोज करिए ये आपकी पी जेड, पी जेड है तो आप इसको ओवरलैप करेंगे तो आप इसको ऐसे ही अरेंज कर लीजिए, दिस इज द पी जेड ऑर्बिटल एंड दिस आर, दिस इज द ओवरलैपर पोर्शन, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हमारी कौन सी बॉन्डिंग है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग। सो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये नहीं कहेंगे कि पी एक्स नहीं करता, पी वाई नहीं करता, पी जेड नहीं करता, सो द टाइप ऑफ फोर सेकंड एग्जांपल ऑफ द एस पी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग विद सिग्मा बॉन्ड। ओके नाउ वी टेक द थर्ड एग्जांपल, दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ पी पी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ही चलता है, जब दो पी ऑर्बिटल क्या होता है ओवरलैप करते हैं। ओके थर्ड टाइप ऑफ पी पी टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पी ऑर्बिटल आपको मैंने बताया पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, एक्स एक्सिस में होता है पी एक्स हो गया आपका, वाई एक्सिस में हो गया पी वाई हो गया आपका, और जेड एक्सिस में हो गया पी जेड हो गया आपका। ठीक है आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला पी एक्स पी वाई पी जेड तीन एक्सिस में होता है। ठीक है पी पी टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है हमारी दो टाइप की बॉन्डिंग दिखाता है, ये सिग्मा भी दिखाता है और पाई भी दिखाता है, अभी तक जो दिखाते हैं दोनों सिग्मा दिखाती थी, फिर पाई बॉन्डिंग की तो हमारी कहीं बात ही नहीं है, लेकिन जो पी पी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा भी शुरू होती है पाई भी होती है। सिग्मा और पाई कैसे होती है देखिए मैं आपको लेती हूँ, अगर मैं पी एक्स और पी एस पी एक्स, अगर मैं एक पी एक्स को दूसरे पी एक्स के साथ मिक्स करती हूँ, मेरा कहने का मतलब है दिस इज द पी एस पी एक्स, एक पी एक्स ऑर्बिटल, ओके ओवरलैप विद द सेकंड पी एक्स ऑर्बिटल के साथ, पी एक्स नीचे लिख देती हूँ, ये हो गया पी एक्स, ओके दिस इज द ऑल्सो पी एक्स ऑर्बिटल, बोथ आर ओवरलैप, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी क्या होगी एंड टू एंड, जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो इनका क्या होगा एंड टू एंड ओवरलैप करेगा। ये देखिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, बोथ आर ओवरलैप, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं इन इंटर न्यूक्लियस एक्सेस। ठीक है दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज द व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड टू एंड, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज व्हाट कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग है ये हमारी बॉन्डिंग कौन सी है कोवलेंट बॉन्डिंग, और आप देख रहे हो इसमें क्या हो रही है कोवलेंट बॉन्डिंग होने के साथ ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है एंड टू एंड, ये क्या कर रहा है एंड टू एंड ओवरलैप कर रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग तो हो रही है बट दे आर ओवरलैप विद ईच अदर बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आल्सो इज द व्हाट सिग्मा टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक नाउ वी टेक द इसी को हमने ये फर्स्ट पार्ट इसको हम कहते थे ए पॉइंट। ठीक है नाउ वी टेक द बी पॉइंट ऑफ पी ऑर्बिटल, हम जब बी पॉइंट बी और हमने ए पार्ट को एक्सप्लेन करा, अब हम इसके बी पार्ट को अगर हम सपोज एक्सप्लेन कर दें, बी पार्ट का मतलब हो गया मैं पी ऑर्बिटल विद पी वाई एंड पी वाई टू एटॉमिक ऑर्बिटल और ओवर विद ईच अदर, पी वाई ये रहा दिस वन इज द पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके सेकंड वन इज द पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है दिस वन इज द पी वाई एंड पी वाई, अगर इसकी एंड टू एंड ओवरलैप करने की बात करते हो, अगर इसकी एंड टू एंड ओवरलैप करने की बात करते हो तो इसकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये वर्टिकली अरेंज है। ओके वर्टिकली अरेंज है तो हम क्या करेंगे इसको दोनों को एक दूसरे के, अगर दोनों को एक दूसरे के नियर बाय लिया जाता तो दिस एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया आपका पी वाई में और ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया पी वाई में और ये पोर्शन क्या हो रहा है साइड ये आपका ओवरलैप कर रहा है। ठीक है दिस वन इज पी वाई और दिस वन इज पी वाई। ओके जब पी वाई पी वाई में एटॉमिक ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो रही है वाई वाई में तो आपको दिख रहा है कि ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिख रहा है, एंड ये होता है एंड पोर्शन का मतलब क्या हुआ ये अगर किसी को ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये पोर्शन एंड होगी इसके, ये थोड़ी पोर्शन एंड होंगे ये तो ये आप इसके क्या कहेंगे दिस पोर्शन इज द साइड पोर्शन, सो दैट मीन्स आप पहली बार देख रहे हो कि जब तू एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं हो रही, दे आर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की तरह, ये साइड इस साइड बाय साइड साइड इसको हम क्या कहेंगे इट इज नोन एज साइड वाइज साइड
एंड टू एंड दिस इज नोन एज द साइड वाइज साइड ओवरलैप विद ईच अदर. तो जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो हम उस बॉन्डिंग को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड. बट आज पहला एग्जांपल, अभी फर्स्ट एग्जांपल आया है पाई बॉन्डिंग का, साइड बाय साइड ओवरलैप ईच अदर, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं. और अगर उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रख देंगे, आप देखिए इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली रख देती हूँ, सो इट्स स्ट्रक्चर इज लुक लाइक दिस वन. इसका ऐसा दिखेंगे कि ये ओवरलैप पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अंदर को ऐसे रोटेट हो गया, और ये वाला पोर्शन और सो इस तरह से अंदर को रोटेट हो गया. थ्री टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ये आपका. इसके इंटरन्यूक्लियस ऐसे हो गए, ये देखिए कौन से, ये दिस वन, ये आपका इंटरन्यूक्लियस हो गया, ये अंदर की तरफ इंटरन्यूक्लियस हो गया, ऐसे इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिखेगा. सो दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंट द व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज द पाई बॉन्ड. ये हमारे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, दिस बॉन्ड टू बॉन्ड इज नोन एज द पाई बॉन्ड. आप देख रही हो कि अभी तक जो मैंने सिग्मा बॉन्ड बताए थे, सारे एग्जाम्पल बताए थे आपने, उसमें ऑब्जर्व करा होगा कि सिग्मा बॉन्ड जब बन रहा है एंड टू एंड ओवरलैप करके इंटरन्यूक्लियस एक्शन चल रहा है. बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन इंटरन्यूक्लियस एक्सेस. न्यूक्लियर एक्सेस ये रहेगी, इंटरन्यूक्लियस एक्सेस ये रहेगी, बट ये इंटरन्यूक्लियस एक्सेस ये है, एक्सेस ये रहा है, ठीक है. ये इंटरन्यूक्लियस एक्सेस के अबव एंड बिलो बन रहा है, अबव एंड बिलो द प्लेन, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे बन रहा है. तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कौन से बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. अब बात आ रही है, मैंने आपको बताया पी एक्स और पी एक्स में, पी वाई और पी वाई में, रिमेनिंग रह गया हमारे पास पी जेड. क्वेश्चन ये उठता है कि पी जेड भी कुछ इस टाइप का करता है या नहीं करता है, ठीक है. तो हम पी जेड को ऑब्जर्व करके देख लेते हैं, ठीक है. हम पी जेड को अगर हम ऑब्जर्व करके देखते हैं तो हम इसको सी पॉइंट लेके चलते, चलिए हम देखते हैं कि पी जेड में इस टाइप का कुछ होता है या नहीं, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, कुछ कोवलेंट बॉन्डिंग तो होती होगी क्योंकि पी ऑर्बिटल तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन ये उठता है कि पी जेड में हमारे सिग्मा या पाई बॉन्डिंग में से कौन सी बॉन्डिंग होती है, ठीक है. हम पी जेड को लेकर चलेंगे तो आपको पता है पी जेड हमारी रिमेनिंग ये वाली एक्सेस है, ठीक है. हमने ये मान के चलिए हमने पी जेड को रखा, तो एक पी जेड ऑर्बिटल ये हो गया, पी जेड हो गया, ओके, ये हो गया पी जेड, प्लस ओवरलैप कर रहा है दूसरे पी जेड के साथ, ओवरलैप कर रहा है, इंटरन्यूक्लियस एक्सेस ये होगी आपकी, इंटरन्यूक्लियस एक्सेस ये होगी, ठीक है. ये आपका पी जेड हो गया, बोथ आर ओवरलैप ईच अदर, दोनों ओवरलैप करेंगे. अब ओवरलैप करने का मतलब दो ऑर्बिटल देखिए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल रखे हुए हैं, इस तरह से टेढ़े रखे हुए हैं, क्रॉस में है. तो अगर हम दोनों को एक दूसरे के नियर बाय लाएंगे तो इनका एंड कभी भी एंड नहीं होता, ओवरलैप नहीं करता. इनके एंड मैंने अभी आपको समझा था, एंड मीन्स होता है ये, इनके एंड ओवरलैप नहीं करेंगे. अगर हम इनको एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है, इंटरन्यूक्लियस एक्सिस ये है, दूसरे ऑर्बिटल को इसके क्लोज भी आए तो हमारा क्लोज लाने पर इसका स्ट्रक्चर और इसकी इंटरन्यूक्लियस एक्सिस ये हो गई. ये आपका शेडेड पोर्शन जो आपको मैं शेडेड कर रही हूँ, सो दिस इज द ओवरलैपिंग पोर्शन, ये ओवरलैपिंग पोर्शन है, ये ओवरलैपिंग पोर्शन है. आपको बताया एट साइड वाइज ये कौन सा बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग, ये आपकी बॉन्डिंग कौन सी है, कोवलेंट बॉन्डिंग. बट दिस इज नॉट एंड टू एंड, ये एंड टू एंड ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, साइड वाइज साइड, साइड बाय साइड का मतलब क्या हो गया आपका, कौन सा बॉन्ड हो गया, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. अगर हम इसका फाइनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो आप देखिए ऑब्जर्व करिए, इंटरन्यूक्लियस एक्सेस ये है और ये इंटरन्यूक्लियस एक्सेस के ऊपर हमारी इंटरन्यूक्लियस एक्सेस ये है और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेंगे. तो ये आपके इंटरन्यूक्लियस एक्सेस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियस एक्सेस के नीचे आपको ये बीन टाइप का जो शेप, किडनी के किडनी टाइप का बीन टाइप का जो शेप दिख रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हमारे कौन से बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड. तो आपने देखा कि बट इज द कोवलेंट बॉन्डिंग इज ए डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, बट ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होने के साथ साथ इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पर डिपेंड करती है. जब इनकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो उस टाइप के बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड. और जब उनमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है इस टाइप के बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड. सो इसके बेसिस पर हमने हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होने के साथ इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड तो बनते ही है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं हमारे, वन इज द सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इज द पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया आपका एंड, सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया आपका एंड टू एंड, और पाई बॉन्ड का मतलब हो गया आपका, पाई बॉन्ड का मतलब हो गया आपका साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग. सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया एंड टू एंड ओवरलैपिंग. दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड जो बॉन्ड होता है हमारा दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के डायरेक्ट ओवरलैपिंग से होता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से होगा. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं हमारे कौन से बॉन्ड होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है. और इस टाइप के जो बॉन्ड होता है ये डायरेक्ट डायरेक्ट से नहीं हो रहा है, साइड बाय साइड से हो रहा है. तो इन कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड दिस इज द वीक बॉन्ड. ये हमारे बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, आपके वीक बॉन्ड होते हैं. नाउ ये तो हमारा पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था. अगर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, सो विदाउट सिग्मा बॉन्ड जब बन जाएंगे, पाई बॉन्ड की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है विदाउट सिग्मा बॉन्ड, विदाउट सिग्मा बॉन्ड, विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल.
पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल. इसका मीनिंग क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ का एक लाइन क्लियर कर दूंगा. सिग्मा बॉन्ड तो बन जाता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, लेकिन जब तक पाई बॉन्ड बनाना है आपको जरूरी है तभी बन सकता है जब तक आपका सिग्मा बॉन्ड ना बन जाए. तो कहने का मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड है. तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कह सकते हैं जैसे हमारे सिग्मा बॉन्ड की जैसे एस एस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एस पी 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 बताया और एस एस में जो बॉन्डिंग थी ये दोनों बॉन्ड कौन से बॉन्ड थे हमारे, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड थे हमारे. ठीक है, इसमें जो हमारा बना था जब पी एक्स में बना था तो हमारा बॉन्ड बना था सिग्मा बॉन्ड बना था, और जब पी वाई में और पी जेड की बात करी थी तो हमारे यहाँ पे जो दो बॉन्ड बने थे कौन से बॉन्ड बने थे, पाई बॉन्ड बने थे. ओके, तो हमारे ये क्लियर हो गया था हमारे यहाँ. अब हमारी क्वेश्चन होती है मैंने एक पॉइंट बोला विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल कहा, तो उसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग यह है कि जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता. जैसे कि हमने सिग्मा बॉन्ड की बात करी तो हम इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं ओ टू. ठीक है, इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं एच एक्स ओ टू एन टू, सब इसी के ओ टू इसके एग्जांपल हो गया, ओ टू हो गया एच टू हो गया. ओ टू एच टू का मतलब हो गया इसमें भी एस ऑर्बिटल इसमें भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है. एस पी का मतलब हो गया इस हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, और पी एक्स का मतलब आपको पता ही है हैलोजन्स होता है. हैलोजन्स कहाँ होते हैं, पी ऑर्बिटल में होते हैं. पीरियड टेबल वाली प्रॉपर्टी वाली वीडियो बनाई थी मैंने, आप उसमें दिखेगा. तो ये हो गया एस पी, एक हाइड्रोजन तो एस ऑर्बिटल में हो गया, पी हैलोजन्स किस में हो गया, पी में हो गई, एस पी के एग्जांपल हो गए. पी पी का मतलब सिग्मा बॉन्डिंग में आप सिग्मा बॉन्ड की बात करोगे तो इसमें कोई भी हैलोजन्स ले लीजिए. हैलोजन्स का मतलब सी एल टू बी आर टू कोई भी ले लीजिए. ठीक है, सी एल टू का मतलब ये होगी ये भी पी ऑर्बिटल में बिलोंग करते हैं, ये भी पी ऑर्बिटल, दैट मीन सारे हैलोजन पी ऑर्बिटल में बिलोंग करते हैं. इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं आपके वो भी यही आएंगे, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल एग्जाम्पल है वो क्या है, एन टू है. एन टू में पी वाई और पी वाई और पी जेड की पाई बॉन्डिंग बनती है. ठीक है, एन टू में जो हमारा हमने बनाया था आप प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने एन टू के कोवलेंट बॉन्डिंग बना रखी है. तो आप ये देखिएगा मैंने कैसे बताया था, वन टू थ्री फोर फाइव नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, फाइव. दूसरे भी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, थ्री फोर फाइव. ठीक है, तो अब इनमें कितने अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितनी चाहिए, फाइव और फाइव मीन्स कितने हो गए, कितनी और की रिक्वायरमेंट है, थ्री और थ्री की. तो इन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, शेयरिंग कर दी. जब इन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो इनमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना. अब ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल. एक्चुअल में यहाँ पर ये जो बॉन्ड हुआ बना, ये जो मेन बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड. क्योंकि ये जो आपका हो रहा है इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पे बना है. ठीक है, जो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर या नीचे बनते हैं, मैंने आपको बार बार बोली हूँ इंटरन्यूक्लियस एक्सिस में जो बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अबव ग्लो होता है तो दैट बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड. तो हमारे इस तल के ऊपर और नीचे जो बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड होंगे. तो कहने का मतलब है जब तक आपकी इंटरन्यूक्लियस एक्सिस मिक्स नहीं होती है तब तक आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, और जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तो आपका पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है. ठीक, तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो व्हाट टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, सो देयर इज टू टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल. वन इज द सिग्मा टू टाइप ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इज पॉसिबल, वन इज द सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इज द पाई बॉन्ड. और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी कैन बी आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. एंड जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, आपको मैं एक चीज और बता दूं, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स में होती है. कोवलेंट बॉन्डिंग हर किसी मॉलिक्यूल्स में हो सकती है, और पोलर भी होती है और नॉन पोलर भी होती है. पोलर का मतलब हो गया कि आप में चार्ज स्पीसीज, जैसे कि हमारी चार्ज स्पीसीज अगर इसकी बॉन्डिंग करेंगे HCl, HBr, इनमें पोलर बॉन्डिंग होती है. ठीक है, H2O. और नॉन पोलर का मतलब हो गया O2, N2, H2, Cl2. तो कहने का मतलब है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, अगर इनको आयनाइज करते हो तो Cl2 Cl2 फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन HCl अगर को चार्ज करोगे तो आप वो किस में रहेगा, H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाएगा. बट इनमें जो बॉन्डिंग होगी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी. अब बॉन्डिंग आप बना के देखेंगे, क्योंकि आपको मैं क्राइटेरिया बता चुकी हूँ कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट में आपको पहले बता चुकी थी, कोवलेंट बॉन्डिंग सेकंड पार्ट में आज आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, सो आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.